आपका हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड आज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पैक्ट स्केल के बारे में बात करेंगे। तो ये एक किचन स्केल है, तो इस किचन स्केल को आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे और साथ में आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगे इस स्केल के बारे में। इसकी कैलिब्रेशन कैसे करेंगे और इसकी कुछ यूनिट्स के बारे में बताएंगे, कैसे इसको ऑन करते हैं और किस किस तरीकों से हम सेल से चला सकते हैं। और एक इसके साथ में अडेप्टर है, अडेप्टर से भी आपको हम चला के दिखाएंगे। तो ये अडेप्टर जो है 5 वोल्ट से लेकर के आप 8 वोल्ट तक जो है इस अडेप्टर को आप ले सकते हो और इससे भी चला सकते हो। ये अडेप्टर इसके साथ में नहीं आता, ये आपको अलग से लगाना पड़ता है। यहाँ पर देखिए इसका पोर्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर दिया है 3 वोल्ट से 6 वोल्ट तक आप अडेप्टर इसमें यूज कर सकते हो। 3 वोल्ट से 6 वोल्ट तक इसमें अडेप्टर आप यूज कर सकते हो। तो मेरे पास 8 वोल्ट का है, तो मैं 8 वोल्ट का लगाऊंगा, 8 वोल्ट का भी इसमें काम कर जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने इसमें सेल पहले ही डाल लिए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए सेल मैंने डाल दिए हैं इसमें, तो अब हम इसको ऑन करेंगे। लेकिन फ्रेंड ये ऑन नहीं हो रहा है, इसके सेल जो है वीक हैं। इस वीक होने की वजह से देखिए एलओ लिख के आ रहा है, तो अभी एलओ लिख के आया था, आपने देखा होगा एलओ। इसका मतलब ये होता है कि इसके सेल जो है वीक हैं, तो ये सेल वीक है। तो हम इसको इससे ऑन करेंगे, हम इस अडेप्टर से ऑन करेंगे इसको, क्योंकि मेरे पास जो अडेप्टर है वो 8 वोल्ट का अडेप्टर है। तो मैं इसको खोल के जो है प्लग में, तो फ्रेंड आप लोग देख सकते हो मैंने इसको प्लग में लगा लिया है यहाँ पर। अब हम इसकी इसको जो है यहाँ देखिए हमारे पास फ्रेंड ये स्केल है, अब हम इसको स्केल में लगा लेते हैं। तो फ्रेंड हमने ये स्केल में लगा लिया और इसको ऑन करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड अब ऑन हो चुका है, अब हमारी जो वोल्टेज कम आ रही थी तो अब वो प्रॉब्लम सही हो गई है। तो उसके कुछ फंक्शन के बारे में आपको बता देते हैं ये। तो फ्रेंड मैं आपको इस स्केल के बारे में थोड़ी नॉलेज दे देता हूँ। जैसे कि इसका नाम जो है SF400 है, ये किचन स्केल कहलाता है। और ये वेट जो है 10 किलो तक वेट तोल सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर 10 kg लिखा है, तो 10 किलो तक ये वेट तोल सकता है। और इसमें सेल जो है 1.5 वोल्ट का जो है 2 सेल पड़ेंगे, जो कि AA बैटरी बोलते हैं इसको सेल को। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। तो देखिए इसको जो रखने का तरीका होता है, इसको आप जो है बिल्कुल सीधी सतह पर रखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्कुल सीधी सतह है, तो एकदम सीधी सतह पर रखना है। अगर टेढ़ी मेढ़ी सतह पर रखोगे तो ये जो है आपसे कोई भी वजन तोलोगे तो इसमें गलत दिखाएगा, अंतर दिखाएगा वेट में। तो बिल्कुल सीधी सतह पर रखना है। अब इसको ऑन कर लेते हैं हम। ऑन करने के बाद अभी देख सकते हो फ्रेंड ये ग्राम में है, तो ग्राम में है। और यहाँ पर लाइट देखो, ये बैक लाइट का ऑप्शन है, आप बैक लाइट इससे ऑन ऑफ कर सकते हो आप। और यहाँ पर देखिए पीस का ऑप्शन है, तो यहाँ से पीसेस करते हैं। और यहाँ पर देखिए मोड का ऑप्शन है, तो मोड से इसमें देखिए चार जो यहाँ पर 4 तरीके के इसमें मोड होते हैं। ये भी ग्राम में दिखा रहा है, तो अब देखिए ऑक्स में दिखा रहा है OZ ऑक्स। ये भी एक वेट करने का जो है तरीका होता है। और ये देखिए यहाँ पर IV आ रहा है, IV यानी कि ये पॉन्ड में है, तो ये पॉन्ड को तोलने का तरीका है। और अब देखिए यहाँ पर एक ये किलोग्राम में आ गया, तो किलोग्राम में आप तोल सकते हो। यहाँ पर जो है किलो में दिखाएगा और पॉइंट के बाद जो है ग्राम में दिखाएगा। और यहाँ पे देखिए अब ये ग्राम में आ गया, तो अब ये पूरा जो है ग्राम में ही आपको शो करेगा। तो ये ग्राम में ही आपको तोल के दिखाएगा, जो भी चीज़ आप इसमें तोलोगे ये ग्राम में दिखाएगा। जैसे कि देखिए ये इतना हल्का वेट हम रखते हैं, इसमें 8 ग्राम तक दिखा रहा है, और 1 ग्राम से कम जो है 1 ग्राम तक दिखाएगा ये। और इसका कोई चार्ट दिया है, मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ कितने 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 पे कितना कितना जो है डिफरेंस हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए दिया हुआ है जो 500 ग्राम है, तो 500 ग्राम पर जो देखिए आप यहाँ पर 0.1 की जो है आगे पीछे दिखा सकता है, टॉलरेंस जो है 0.1 ग्राम रहेगा, जो कि 500 ग्राम पे रहेगा। और 1000 ग्राम पे 0.5 ग्राम का, और 300 ग्राम पर जो है 500 ग्राम पे 700 ग्राम पे जो है 1 ग्राम का टॉलरेंस रहेगा यहाँ पर। तो फ्रेंड अब हम आपको इसकी कैलिब्रेशन को सिखाते हैं। तो देखिए ये 2 किलोग्राम का जो है हमारे पास वाट है, और ये 2 किलोग्राम का वाट आपको देखिए यहाँ पर 49.98 ग्राम जो है दिखा रहा है, यानी 4998 ग्राम पॉइंट में जो 9 ग्राम दिखा रहा है। तो ये 2 किलो का वाट है, यानी कि 2000 दिखाना चाहिए। तो इसको किस तरीके से कैलिब्रेट करेंगे हम, तो इस चीज़ के बारे में आपको देखिए बताते हैं हम यहाँ पर।
पहले इसको ऑफ कीजिए, ऑफ करने के बाद टेयर के साथ इसको ऑन करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 5000 लिख के आ रहा है, मोड दबाएंगे। मोड दबाने के बाद इसको एक थोड़ा गलत हो चुका है, दोबारा से कैलिब्रेट करेंगे। तो देखिए इसको पहले ऑफ रहने देंगे, ऑफ रहने के बाद टेयर के साथ ऑन करेंगे। और हमारे पास जैसे 2 किलो का वाट है, तो यहाँ पर हम 2000 ग्राम लेके आएंगे। तो देखिए यहाँ पर 2000 ग्राम आ चुका है। अब मोड का बटन दबाएंगे, मोड का बटन दबाने के बाद यहाँ पर 2 किलो का जो हमारे पास वेट है, उस वेट को रख देंगे। और यहाँ पे देखिए ये पास हो जाएगा, ये देखिए पास हो चुका है। तो इस तरीके से जो है हमारी कैलिब्रेशन जो है डन हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पर पूरा 2 किलो हमें दिखाएगा, अभी ग्राम में चल रहा है। तो देखिए पूरा 2 किलो हमें वेट दिखा रहा है, यानी कि हमारी कैलिब्रेशन हो चुकी है। आप इसको जो है किलोग्राम में ला सकते हो। तो देखिए यहाँ पर किलोग्राम में आ चुका है। तो देखिए पूरा 2 किलो दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप इसकी कैलिब्रेशन कर सकते हो। आई होप फ्रेंड आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। और इसके में जो है इस अगर आप ये वाला स्केल खरीदना चाहते हो, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जा करके आप इस स्केल को खरीद सकते हो, जो कि बहुत लो प्राइस में आपको वहां से मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।